एचआरटीसी पेंशनर्स को मुख्यमंत्री व परिवहन मंत्री गुमराह करने का काम कर रहे हैं। एचआरटीसी पेंशनर को अभी तक रिवाइज पेंशन देने के आदेश नहीं हुए हैं। 2016 के बाद पेंशनर्स को भत्ते के करोड़ों रुपए के भुगतान नहीं हुए हैं। यह बात शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान एचआरटीसी समस्या समाधान मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पुरोहित ने कही। अशोक पुरोहित ने कहा कि 2016 के बाद रिटायर हुए पेंशनर्स को कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। समस्या एक ही समस्या है कुल मिलाकर के, कि हमें पेंशनर्स कानून के अनुसार मिले, सीसीए रूल पेंशन 1972 के नियमों के अनुसार मिले, जैसे सरकारी मिलती है वही कानून हम पर लागू होता है, उसी हिसाब से हमारा डीए रिवाइज हो, उसी हिसाब से हमारी पेंशन रिवाइज हो, उसी हिसाब से हमें सारे लाभ मिले, 5-10-15% जो देती है सरकार उसे मिले। एचआरटीसी के पेंशन को उसी से भी वंचित रखा है, 5 से भी वंचित रखा है, 10 से भी वंचित रखा है, 15 से भी वंचित रखा है। जब तक शासक रंग में तब तक बीन बजाए, जब तक हमारे मन हम जिंदा है तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे, और सरकार नहीं मानेगी तो सरकार भुगतेगी, सरकार भुगतेगी, और सरकार मान लेगी तो सरकार के साथ खड़े हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अनशन सामूहिक अनशन हम करेंगे, लेकिन डेट अनाउंस हम लेटर ऑन करेंगे। हमने 45 दिन का समय दिया है, 45 दिन। एंस्टा न्यूज़ के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट, अमर अनशन सेक्रेटरी के बाद।